हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, लास्ट टॉपिक ट्राइंगल का। तो वो टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में इनइक्वालिटीज क्या है। तो फर्स्ट वन, कि हम ये बात करते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है, इफ टू साइड्स थियरम दिया है 7.6 हमें, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर या तो ग्रेटर। मतलब कि ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी ट्राइंगल में आपको दो साइड अनइक्वल दी है, या तो कोई भी एक लार्जेस्ट साइड है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दे रहा हूँ, ये ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी है वो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो बी सी साइड का ओपोजिट एंगल, बी सी साइड से ओपोजिट एंगल मतलब क्या होगा, एंगल ए। तो ये तीनों एंगल में, ए बी सी और ए बी एंड सी तीनों एंगल में, एंगल ए है वो क्या होगा, सबसे लार्जर ग्रेटर एंगल होगा। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड आपको अनइक्वल दिए तब द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, कि कोई भी लार्जर या तो लॉन्गर साइड है उसका ऑपोजिट एंगल जो आपका है वो एंगल ग्रेटर होता है, लार्जर होता है कंपेयर टू अदर टू एंगल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका यूज हम सम में करने वाले हैं। दूसरी बात, इसकी रिवर्स बात है जो थियरम 7.7 में हमें दी हुई है, इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब कि मान लो कि यही बात अगर आपको कुछ इस तरह से दी हुई है कि ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है और बोला है कि ए एंगल है वो 110 एंगल है, ये 60 डिग्री का, सॉरी ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 20 डिग्री का एंगल है, मतलब कि तीनों एंगल का सम 180 हो जाता है। तो यहाँ पे जो लार्जर एंगल है, जो ग्रेटर एंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड ऑलवेज ग्रेटर होगी कंपेयर टू अदर टू साइड्स। मतलब कि बी सी है वो ए सी से भी बड़ी होगी और बी सी है वो ए बी से भी बड़ी होगी। ये साइन ग्रेटर देन की है, मतलब कि इससे बड़ी है, और ऐसी दूसरी साइन आती है लेस देन की। तो ये ट्राइंगल की इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, कि वो उसके इक्वल नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, उससे बड़ी या तो छोटी हो सकती है, उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। फिर थियरम 7.8 में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि आप कोई भी ट्राइंगल ले लो। मान लो कि यहाँ पे मैं एक ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल में आप देखो कोई भी दो साइड का सम आप कर लो वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। मतलब कि यहाँ पे चलो मैं ए बी प्लस बी सी कर रहा हूँ तो वो क्या मिल रहा है, 3 + 4 मतलब 7, तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर आ रहा है, 7 इज ग्रेटर देन 6। कोई भी दो साइड आप ले लो, मान लो कि मैं बी सी प्लस ए सी ले रहा हूँ तो 4 + 6 मतलब क्या होगा, 10, तो 10 है वो 3 से बड़ा आ रहा है। आप ए बी प्लस ए सी भी ले सकते हो, ए बी प्लस ए सी अगर लोगे तो क्या आएगा, 6 + 3 मतलब 9, ए बी प्लस ए सी मतलब 3 + 6 इज इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 4। कोई भी ट्राइंगल में दो साइड का सम आप करोगे तो वो तीसरी साइड से ऑलवेज ग्रेटर आएगा। सेम वे राइट एंगल ट्राइंगल में भी चेक कर लेते हैं कि पी क्यू आर है, ओके, तो 5 + 12 मतलब 17 इज ग्रेटर देन 13, 12 + 13 इज इक्वल टू 25 इज ग्रेटर देन 5, 5 + 13 इज इक्वल टू 18 इज ग्रेटर देन 12। मतलब कि कोई भी दो साइड का सम आप करोगे ट्राइंगल में तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर रहेगा। तो ये तीन थियरम है, तीनों थियरम का यूज आपको सम में करना है। मैं थियरम फिर से आपको बता देता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल में लार्जर साइड है उसका ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर होगा, कोई भी ट्राइंगल में एंगल जो लॉन्गेस्ट है, लार्जर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का आप सम करोगे तो वो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर ही मिलने वाला है आपको, ओके। अब देखते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 आईएमपी एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 9 में यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ कि एग्जाम्पल 9 में हमें क्या दिया हुआ है, ओके, डेटा यहाँ पे आपके सामने है और वहाँ पे एक फिगर भी दी हुई है, तो फिगर भी हम पुट कर देते हैं। फिगर में कुछ इस तरह से बात बोली है, फिगर भी मैं पुट कर देता हूँ, ओके। तो फिगर भी आपको इस तरह से दी हुई है। अब देखो ध्यान से, डेटा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी, कि डी एक ऐसा पॉइंट है जो साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी और ए सी इक्वल है। मतलब कि इतनी बात दी है, ट्राइंगल ए बी सी में ए डी और ए सी इक्वल है, ठीक
अब सिंपल सी बात सोचो, एडीसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मतलब एडीसी ट्रायंगल मेरा आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। अब ये अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसके ओपोजिट एंगल इक्वल हो गए, मतलब कि एंगल एडीसी और एंगल एसीडी मेरे इक्वल हो गया, तो ये बात मैं पहले तो लिख सकता हूँ, तो ये मैंने बात लिख दी। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ए बी है वो ए डी से बड़ा है, ओके, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, मुझे ये बात बतानी है। अब ए डी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पे मैं आंसर से जाने की ट्राई कर रहा हूँ कि क्या चाहिए, तो ए डी की जगह पे मैंने ए सी लिख दिया। अब ए बी है वो लॉन्गेस्ट साइड है, कब ए बी लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है, तो आप बात जानते हो कि सी एंगल है वो आपका लार्जर एंगल हो, लार्जर एंगल हो तभी आपकी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड हो सकती है, मतलब कि आपको किसी भी तरह से सी को लार्जर एंगल दिखाना है तो आपका काम हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वन देखो, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एडीसी ट्राइंगल, एडीसी एंगल है वो ट्राइंगल एबीसी का एक्सट्रीम एंगल है, तो ये बात लिख देता हूँ कि एडीसी इज एक्सट्रियल एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी का वो एक्सट्रियल एंगल है। अब देखो एक्सट्रियल एंगल है तो मैं जानता हूँ कि एक्सट्रियल एंगल क्या होगा, दोनों उसके ऑपोजिट दोनों इंटीरियल एंगल के सम जितना होगा, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी डी प्लस बी ए डी हो सकता है। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि एंगल ए डी सी है वो मेरा एंगल ए बी डी से बड़ा होगा और ए डी सी वो बी ए डी से भी बड़ा होगा, तो यहाँ पे एक मैंने बात लिख दी है कि ए डी सी वो एंगल ए बी डी से लार्जर एंगल है, ओके। सेम वे अब आप देख सकते हो कि ए डी सी एंगल ए डी सी की जगह पे मैं ए सी डी लिख सकता हूँ इक्वेशन वन से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सी डी इज ग्रेटर देन ए बी डी की जगह पे मैं आप देख सकते हो ए बी सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी। अब यहाँ पे देखो आप ए सी डी एंगल, सी एंगल बड़ा है बी एंगल से, मेरा आ गया ए सी डी की जगह पे मैं ए सी बी लिख सकता हूँ, एक लिख देता हूँ ताकि पूरा सी एंगल की बात कर सकते, और ए बी सी, तो आप देख लो सी एंगल लार्जर हो गया बी से, मतलब कि ए बी है वो लार्जर साइड होगी किससे, ए सी से, हमें तो ए बी ग्रेटर देन ए सी प्रूव करने को नहीं बोला था, हमें प्रूव करने को बोला है ए बी ग्रेटर देन ए डी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बात हमने पहले ही लिखी थी कि ए डी और ए सी इक्वल है, तो मैं ए सी की जगह पे ए डी लिख सकता हूँ, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, तो ये बात मुझे प्रूव करने को बोली थी, तो ये इस तरह से प्रूव हो सकता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.4, ओके, देखते हैं 7.4, फर्स्ट वन सम में दिया हुआ है सो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, कि राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं थियरम कि कोई भी ट्राइंगल में अगर लार्जर एंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगी, कोई भी साइड अगर लॉन्गेस्ट है तो उसका ऑपोजिट एंगल है वो लार्जर एंगल होगा, तो बस यही बात का मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो पहले तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कि मान लो कि ये ट्राइंगल एक ए बी सी ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, तो ये ए बी सी ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, पर आप देख सकते हो कि बी एंगल मैंने 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। अब यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल बी है, बी इज लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि बी अकेला 90 है और ये दो एंगल का सम 90 है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, मतलब बी की ऑपोजिट साइड ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए की ऑपोजिट साइड होगी बी सी, और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी मतलब ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड, ए सी है वो एक लॉन्गेस्ट साइड है, और ये ए सी है क्या, आप देख सकते हो कि ए सी है वो मेरा हाइपोटेनियस है, तो मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो यही बात मुझे प्रूव करनी थी, देयर फोर द हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यही बात हमें
प्रूव करनी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, इसके बाद देखते हैं सेकंड वन सम। तो सेकंड वन सम के लिए आपको एक फिगर भी दी हुई है, डेटा मैं आपके स्क्रीन पे पुट कर रहा हूँ, कि आपको बोला है कि इन फिगर 7.48 ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंड फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी सो देट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, कि ए सी है वो ए बी से लार्जर है, आपको वो बात बतानी है। ओके, फिगर यहाँ पे मैं आपको पुट कर देता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बात है। अब सिंपल सी बात सोचो आप, कि यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ, मुझे एक कंडीशन दी हुई है पी बी सी और क्यू सी बी, पी बी सी और क्यू सी बी, मतलब कि ये एंगल लार्जर है। ओके, मुझे बताना है ए सी और ए बी ट्राइंगल के लिए। तो फर्स्ट वन यहाँ पे एक चीज़ में लिख देता हूँ कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 होगा, ये दो एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। तो यहाँ से मुझे पी बी सी क्या मिलेगा, 180 माइनस एंगल ए बी सी मिल सकता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। दूसरी बात, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी क्यू, सॉरी एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू भी 180 मिलेगा। तो एंगल क्यू सी बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस ए सी बी, ये मेरा सेकंड नंबर। अब देखो हमें एक कंडीशन दी हुई है पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, ओके इसका भी यूज कर देते हैं हम। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पी बी सी लेस देन एंगल पी बी सी लेस देन क्यू सी बी। ओके, पी बी सी की जगह पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल ए बी सी लेस देन 180 माइनस ए सी बी, तो 180 180 दोनों साइड है इक्वल तो कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा माइनस ए बी सी लेस देन माइनस ए सी बी। ओके, अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी की बात समझने की ट्राई करते हैं। देखो कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये बात सही है कि 2 से 3 लार्ज है, और मैं ये बात आपको बोलता हूँ कि माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो ये बात भी सही है। जिस तरह से इक्वल टू हमें दिया है, सपोज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 दिया था, तो हम दोनों साइड प्लस कर देते थे, तो एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, पर ऐसा हम यहाँ पे इनइक्वालिटी में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों साइड माइनस है, यही बात है, दोनों एंगल माइनस है। यहाँ पे मैंने तो नंबर लेके आपको समझाने की ट्राई की, तो ये दोनों नंबर माइनस है, अगर मैं दोनों नंबर को डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत है, चेक कर लो आप कि 2 की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कि जब भी दोनों साइड माइनस है और बीच में लेस देन ग्रेटर देन की साइन है, वो आप साइन निकाल रहे हो, तो ये इनइक्वालिटी कंपलसरी चेंज कर देनी है, तब ये बात सही होगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी निकाल रहा हूँ, तो साइन मुझे चेंज कर देनी होगी, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। आई बात समझ में, ये बात आपको याद रखनी है। और ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, मतलब देखो ए बी सी एंगल है वो लार्जर एंगल है, तो उसकी ओपोजिट साइड कौन सी होगी, ए सी, और ए सी बी की ओपोजिट साइड ए बी, मतलब कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी है वो ग्रेटर होगा ए बी से, तो मुझे यही बात यहाँ पे प्रूव करनी थी कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये बात मैं इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ, यही बात मुझे बतानी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनइक्वालिटी आप चेंज कर रहे हो, दोनों साइड माइनस है तब आप इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हो, इनइक्वालिटी माइनस माइनस प्लस कर रहे हो तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन में हमें दिया हुआ है, फिगर दी हुई है और प्रूव करने को लिए एक बात बोली है, डेटा मैं आपके स्क्रीन पे पुट कर रहा हूँ। तो थर्ड वन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन फिगर बी लेस देन ए और सी लेस देन डी सो देट ए डी लेस देन बी सी, मुझे ये प्रूव करना है। ओके, तो उसके लिए फर्स्ट वन देखो, बी लेस देन ए दिया है, बी और ए लेस देन दिया है, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ओ। ए बी ओ ट्राइंगल में देखो एंगल बी इज लेस देन एंगल ए है। ओके, बी साइड एंगल ए से, एंगल बी है वो एंगल ए से कम है, ये बात दी है, तो एंगल बी की ओपोजिट साइड कौन सी होगी, एंगल बी की ओपोजिट साइड ओ ए। ओके, ओ ए लेस देन ओ बी होगा,
इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। दूसरा दिया है सी एन डी, तो सी एन डी कहाँ पे आ रहे हैं, ट्राइंगल ओ डी सी में, तो वो बात ले लेते हैं कि ट्राइंगल ओ डी सी में एंगल सी लेस देन एंगल डी दिया है, तो सी की ओपोजिट साइड क्या होगी, ओ डी लेस देन, डी की ओपोजिट साइड होगी हमारी ओ सी। ओके सेकंड नंबर, अब देखो मुझे ए डी बताना है, तो ए डी सिंपल क्या होगा, ए ओ और ओ डी होगा, और दूसरा चाहिए बी सी, तो बी सी क्या होगा, ओ बी और ओ सी, तो ओ ए प्लस ओ डी कर सकता हूँ, ओ बी प्लस ओ सी कर सकता हूँ। मतलब सिंपल इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर देता हूँ, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। ओके तो ये बात क्या हो जाएगी, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, तो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी मेरा क्या आता था, यहाँ पे मैंने लिखा है ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे मुझे यही बात प्रूव करनी थी कि ए डी लेस देन बी सी है। ओके तो ये बात मैं इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ इजीली। उसके बाद देखते हैं फोर्थ वन सम, तो फोर्थ वन सम में हमें दिया हुआ है कि ए बी इज द, ए बी एंड सी डी द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल किया है वो हम इसके बाद के चैप्टर में सीखने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब सिंपल चार साइड से क्रिएट होने वाली एक क्लोज फिगर। अब इसमें ए बी एक स्मॉलेस्ट साइड है, सी डी एक लॉन्गेस्ट साइड है, तब मुझे बताना है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी होगा और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी होगा। ओके ये बात मुझे प्रूव करनी है, और मुझे कुछ फिगर और डेटा इस तरह से दिया हुआ है जो मैं आपके सामने अभी पुट कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे डेटा कुछ फोर्थ में इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ए बी एंड सी डी, ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो फर्स्ट वन एक बात लिख देता हूँ, ए बी है वो मेरी कैसी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है, और सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है, एक बात मुझे दी हुई है। तब मुझे एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए से एंगल सी है वो ग्रेटर दिखाना है। ओके तो एंगल ए से एंगल सी ग्रेटर दिखाना है, यही फिगर में यहाँ पे क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके कुछ इस तरह से दिया हुआ, ए डी सी बी, सबसे पहले मैं डायगनल ड्रॉ कर देता हूँ, ए सी को ज्वाइन कर दिया, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, ए सी ज्वाइन किया। ओके ज्वाइन ए सी, तो आप देख सकते हो कि कितने एंगल क्रिएट हो रही है, ये मेरा एंगल वन है, ये मेरा एंगल टू है, ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर है। ओके अब देखो मुझे ए ग्रेटर देन सी दिखाना है, तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में आप देख सकते हो ए बी वो शॉर्टेस्ट साइड है, ये भी कैसी साइड है, शॉर्टेस्ट साइड है, तो शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाला एंगल शॉर्टेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज शॉर्टेस्ट साइड, ए बी अगर शॉर्टेस्ट साइड है तो एंगल सी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, ए बी सी में अगर एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी सी में अगर ए बी शॉर्टेस्ट साइड है तो यहाँ पे एंगल टू है वो क्या होगा, स्मॉल ही एंगल होगा, मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ एंगल टू लेस देन एंगल वन, एंगल टू है वो स्मॉल एंगल होगा। ओके फिर दूसरा लेते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी में सी डी है वो लार्जेस्ट साइड है, सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड आपको दिया है। ओके तो सी डी को मैंने लॉन्गेस्ट साइड ले लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड का ओपोजिट एंगल क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, मतलब सी डी का ओपोजिट एंगल थ्री है वो लॉन्गेस्ट होगा, और यहाँ पे फोर लेस देन एंगल थ्री में लिख सकता हूँ कि थ्री है वो लार्जर होगा। अब देखो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर देता हूँ मैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो ये बात क्या हो जाएगी, टू प्लस फोर इज इक्वल सॉरी टू प्लस फोर लेस देन वन प्लस थ्री। ओके टू प्लस फोर लेस देन वन प्लस थ्री, तो टू प्लस फोर मतलब क्या होगा, टू और फोर का सम करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल सी लेस देन एंगल ए, मतलब कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये फर्स्ट बात प्रूव हो गई है कि एंगल ए है वो ग्रेटर है एंगल सी से। ओके अब बी ग्रेटर एंगल डी प्रूव करने की ट्राई करते, तो आपको फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है कि आपका ए बी सी एंड डी है, पहले मैंने डायगनल ए सी को ज्वाइन किया था, अब मैं बी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ ज्वाइन बी डी। अब देखो एंगल आपके क्या क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइव सिक्स सेवन एट। ओके फाइव सिक्स सेवन एंड एट, तो यहाँ पे आप बात देख सकते हो कि ट्राइंगल में ए बी डी ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी तो शॉर्टेस्ट साइड है, ए बी इज
शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाला एंगल, ए भी है वो शॉर्टेस्ट साइड है, तो उसके सामने वाला एंगल मतलब एंगल 7 होगा, एंगल 7 है वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, किससे, एंगल 5 से, एंगल 7 है वो स्मॉलेस्ट, ओके, ए बी सी डी, ए बी डी में ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, तो उसके सामने वाला एंगल मतलब 7 स्मॉलेस्ट एंगल होगा, मतलब एंगल 5 है वो क्या होगा, ग्रेटर एंगल 7, इसको मैं थर्ड नंबर बोल देता हूँ। और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ट्राइंगल बी सी डी, तो सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, वो भी बात आपको बोली है, सी डी हो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो सी डी का ऑपोजिट एंगल भी लार्जर होगा, मतलब 6 इज ग्रेटर देन एंगल 8। फोर्थ नंबर बोल देता हूँ, अब देखो 3 + 4 कर देता हूँ, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 5 + एंगल 6 ग्रेटर एंगल 7 + एंगल 8, तो 5 एंड 6 मिलके क्या हो गया, पूरा एंगल बी, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तो यही बात मुझे प्रूव करनी थी कि एंगल बी है वो एंगल डी से लार्ज है। देख लेते हैं कि बी ग्रेटर डी ही प्रूव करना था या नहीं। ओके, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तो फोर्थ वन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं सम नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ में हमें दिया हुआ है कि पी आर है वो पी क्यू से लार्ज है, एक फिगर दी हुई है कि उसमें पी आर है वो पी क्यू से लार्ज है, और पी एस है वो पी क्यू क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल है। प्रूव दैट द एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, तो फर्स्ट वन जो जो बात दी है वो मैं लिख देता हूँ कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू मुझे बोला है, तो यहाँ पे मैं वो थियरम का यूज कर सकता हूँ कि ट्राइंगल में कोई भी साइड अगर लार्जेस्ट है लार्जर है तो उसके ऑपोजिट एंगल है वो लार्जर होगा, और स्मॉलेस्ट साइड है तो उसका ऑपोजिट एंगल है वो स्मॉलेस्ट होगा, तो यहाँ पे पी आर साइड लार्जर है मतलब कि उसका ऑपोजिट एंगल मेरा होता है एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू होगा, या तो क्यू आर पी होगा, तो ये थियरम से मैं बात लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब देखो दूसरी बात मुझे ये दी है कि पी एस इज द बाइसेक ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर का बाइसेक है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो एंगल पी क्यू एस में यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि पी एस आर है वो एक्सटर्नल एंगल है, सेम वे एंगल पी एस आर में पी एस क्यू है वो एक्सटर्नल एंगल होगा, तो अब एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी का अगर हम यूज कर देते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वन में बात लिख देता हूँ कि एंगल पी एस आर इज एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल या तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि पी एस आर की वैल्यू क्या होगी, दोनों इंटीरियर एंगल के सम जितनी, मतलब कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। सेम वे दूसरा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसको भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल पी एस क्यू इज एक्सटीरियर एंगल, पी एस क्यू है वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल पी आर एस में वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बात भी मैं लिख सकता हूँ पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस होगा, तो ये मेरा फोर्थ नंबर है, एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम जितने होते हैं। अब देखो मैं अगर इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 आपको पता ही है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पी क्यू आर ग्रेटर देन पी आर क्यू और क्यू पी एस और आर पी एस इक्वल है, तो ये बात कुछ इस तरह से हो जाएगी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ से पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस की जगह पे मैं पी एस आर लिख सकता हूँ, तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू प्लस आर पी एस की जगह पे मैं पी एस क्यू लिख सकता हूँ, तो मुझे बस वहाँ पे यही बात प्रूव करनी थी कि एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू है, तो ये बात इस तरह से प्रूव हो जाती है, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सम हमारे लिए आईएमपी है, तो ये सम इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 6, तो 6 में हमें दिया हुआ है सो दैट द ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉन नॉट ऑन इट इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, कि हमें ये बताना है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये बात हमें 6 में प्रूव करनी है कि
कि जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ये बात हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, कि मुझे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को शॉर्टेस्ट दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ कि मान लो कि ये लाइन एल है और कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, ये एन होगा, और कोई पॉइंट एम यहाँ पे है। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से मैं ये बात तो बोल सकता हूँ फर्स्ट वन कि पी है वो लाइन एल पे है, कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे लाइन एल और हमने पॉइंट पी लिया है, फ्रॉम पॉइंट पी, पर पॉइंट पी इज नॉट बिलोंग्स टू एल, मतलब कि पॉइंट पी है वो लाइन एल पे कहीं पे भी नहीं है, और पी एन परपेंडिकुलर टू एल है, पी एन और एल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये बात आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल पी एम एन में मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम क्या होना चाहिए, 180 होगा। तो यहाँ पे एंगल पी प्लस 90, एन 90 डिग्री है और एंगल एम 180, तो यहाँ पे ये बात मैं लिख सकता हूँ एंगल पी प्लस एंगल एम क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल एन है वो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, लार्जर एंगल है, तो एंगल एन की ऑपोजिट साइड, एंगल एन की ऑपोजिट साइड क्या होगी, मतलब कि यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ एंगल एन इज ग्रेटर देन एंगल पी और एंगल एन इज ग्रेटर देन एंगल एम, इसका मतलब है कि ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। तो एंगल एन की लार्जर साइड होगी पी एम और पी की साइड होगी ऑपोजिट एम एन, और इसकी साइड होगी एम पी एन और इसकी होगी पी एन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी एम है वो मेरी लॉन्गेस्ट साइड होगी, लार्जर साइड होगी, मतलब कि अब देखो पी पॉइंट कहीं पे होगा तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये पी एम वाला तो लाइन एल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो नहीं सकता, मतलब कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि पी एम ग्रेटर देन ए पी एन, मतलब कि लाइन एल से कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा ये दोनों में, तो ऑब्वियसली कि पी एन वाला डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा। देयर फोर मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ, देयर फोर पी एन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एल, कि लाइन एल से पी एन है वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और पी एन कैसा डिस्टेंस है, आप जानते हो कि पी एन परपेंडिकुलर टू एल है, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये बात भी मैं लिख सकता हूँ, देयर फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होता है कोई भी लाइन के लिए। तो यहाँ पे बस आपको यही बताना था और ये बात आपको याद रखनी है, इसका यूज हम 10th में करने वाले हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।